मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग इस मंजिल को इसकी औकात बताते हैं और बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ को 100% सीख के आते हैं। यस, आज हम लोग बहुत 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 आसान भाषा में लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को सीखने वाले हैं और जो यूजलेस चीज होगा उसको अवॉइड करके हम लोग चलेंगे, क्योंकि पूरा सीखना भी है, कुछ भी छूटना भी नहीं चाहिए और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आना भी नहीं चाहिए। ओके, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन आज के क्लास से बनेगा, बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। आइए सबसे पहले अगर बात करें अ पिंच ऑफ स्नफ का, तो मतलब अ मतलब एक होता है, पिंच मतलब चुटकी होता है और स्नफ मतलब खैनी, जानते हैं ना, खैनी या गुल, है ना, ये सूंघनी भी इसको बोल देते हैं। तो ये हो गया अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर। इसके राइटर कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा मनोहर मालगांवकर। राइटर कौन है? मनोहर मालगांवकर। याद रखने के लिए आप लोग को कंसेप्ट देते हैं, ये खैनी जो होता है, खैनी कहाँ का माल है, कहाँ का माल है, खैनी कहाँ बनता है भैया, गांव में बनता है ना, इसीलिए याद रखिएगा खैनी जो है, एक चुटकी खैनी कहाँ का माल है, गांव का माल है, कहाँ का माल है, गांव का माल है, इसीलिए याद रखिएगा। अब पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? गांवकर याद रहेगा, ये खैनी माल कहाँ का है, गाँव का है, याद रहेगा। यस, तो अब पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हो गए मनोहर मालगांवकर। ओके जी, नेक्स्ट, मनोहर मालगांवकर जी का जन्म कब हुआ? तो 12 जुलाई 1913 को। ओके जी, 12 जुलाई 1913 को मुंबई में मनोहर मालगांवकर जी का जन्म हुआ। क्या? 12 जुलाई 1913 को मनोहर मालगांवकर जी का जन्म मुंबई में होता है। यस, आइए नेक्स्ट, डाइड, उनकी मृत्यु 14 जून 2010, क्या क्या 14 जून 2010 को उनका मृत्यु हो जाता है कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में। यस, तो 12 जुलाई 1913 को उनकी जन्म होता है एंड 14 जून 2010 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, मनोहर मालगांवकर वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, क्या क्या? यस, मनोहर मालगांवकर जो है आल्सो एन आर्मी ऑफिसर। यस, मनोहर मालगांवकर जी आर्मी ऑफिसर रह चुके होते हैं। यस, पता है ये 2013 में इनका जन्म हुआ और ये जो है आर्मी का ऑफिसर तब थे जब अंग्रेजों का शासन था, याद रहेगा। यस, नेक्स्ट क्या है? ही इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जाने माने क्या हैं? नॉवेलिस्ट हैं और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है अपने मनोहर मालगांवकर जी। ओके, चलिए और कुछ बात करते हैं मनोहर मालगांवकर जी के बारे में। His important works include, इनका जो important अपने लाइफ में जो महत्वपूर्ण ये कार्य किए वो कहाँ रखा गया है, है ना, तो याद रखिएगा, फर्स्ट तो डिस्टेंट्रम में, नेक्स्ट द प्रिंसेस में, नेक्स्ट द बॉन्ड इन द गैंग्स एंड नेक्स्ट बॉम्बे विवेयर में। ये सब अपना important वर्क है ना, जो भी लिखे वो सबको इस सब फाइल में, जैसे आपका एक हो गया दूसरा पढ़ाई का फाइल, एक हो गया बिजनेस का फाइल, एक हो गया मोटिवेशन का फाइल, इसी टाइप के जो भी अपना लिखे वो सबको इस सब में इंक्लूड किए। नेक्स्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम, अ पिंच ऑफ स्नफ कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। और ये जो है अपना अ पिंच ऑफ स्नफ फुल्ली विट मतलब बुद्धिमानी, चतुराई और साहस, एडवेंचर, क्या क्या, ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर
विट एंड एडवेंचर से रिलेटेड है। मतलब पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं साहस और चतुराई के बारे में। ओके जी, चलिए तो ये था अभी तक मनोहर मालगांवकर जी के बारे में। अब हम लोग चैप्टर में जानते हैं क्या है। ओके, देखिए यहां से होता है चैप्टर स्टार्ट नाउ। ओके जी, चलिए बोल रहा है मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। मदर्स मतलब मम्मी का अनाउंसमेंट शुक मी, मुझे शॉक कर दिया, हैरान कर दिया। क्या बोली मम्मी जो? नन्नू काका इज कमिंग, सी सेड। मम्मी बोले नन्नू काका आ रहे हैं। ये बात सुन के मैं तो घबरा गया, हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे पगला फिर इत्थे आ रहा है ना? आखिर कौन है नन्नू काका, क्यों परेशान हो गए? ये बात सुन के मनोहर मालगांवकर, याद रखिएगा मनोहर मालगांवकर की मम्मी है नन्नू काका की बहन, और नन्नू काका है मनोहर मालगांवकर जी के मामा जी। ओके, तो मनोहर मालगांवकर हुए नन्नू काका के भांजे और इनकी माँ। नन्नू काका आ रहे हैं यानी राइटर जो है अपना, नरेटर जो है उनके मामा जी आ रहे हैं। पता है ये राइटर मनोहर मालगांवकर दिल्ली में रहते हैं और मामा जी गांव से आते हैं। ये बात सुन के हैरान हो गए मनोहर मालगांवकर। ओह माय गॉड आई सेड, मैंने कहा यानी मनोहर मालगांवकर जी बोलते हैं, ओह माय गॉड हे भगवान, couldn't we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something। वो कहते अरे कोई मम्मी क्या, अरे कोई वायर वगैरह भेज दो। वायर मतलब तार, पहले वायर चलता था है ना, आज ना कॉल है, मैसेज है, व्हाट्सएप, इंस्टा है ना, पहले वायर चलता था है ना। अरे ये मम्मी कोई वायर भेज दो, या फिर उनको कह दो जो हम छुट्टी पे हैं, या फिर ये कह दो जो मेरा ट्रांसफर हो गया, या कुछ भी कह दो मम्मी, कुछ भी कह दो, समथिंग, कुछ भी कह दो, उनको रोक दो माँ, रोक दो माँ। ऐसा कहते हैं मनोहर मालगांवकर जी अपने मम्मी से। बट मम्मी बोलते हैं नो, नहीं नहीं डियर, बच्चे, बाबू, नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। मदर से, मदर कहती है, मम्मी कहती है मनोहर मालगांवकर जी से, क्या? ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। अरे बबुआ खाए तू घबरा रहा है, वो तो ऑलरेडी ट्रेन पे चढ़ चुका है ना नन्नू काका जी, तुम्हारे मामा जी ट्रेन पे चढ़ चुके हैं है ना। सी एडेड रीअश्योरिंगली ही से ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। देखो बबुआ तुम टेंशन वेंशन नहीं लो है ना, वो 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ रुकने उकने वाले हैं नहीं है, टेंशन नहीं लो, वो आएंगे और बस 2-3 दिन में उनका काम है, वो चले जाएंगे, इसलिए घबराओ नहीं। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। अच्छा मम्मी ये बताओ ये इतना गर्मी में वो क्यों आ रहे हैं दिल्ली, इतना गर्मी में वो क्यों आ रहे हैं, क्या बात है? ऐसा कौन बोलते हैं? मनोहर मालगांवकर। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। अरे वो कुछ मंत्री मंत्री से मिलने का काम है उनको, इसीलिए आ रहे हैं। कौन बोली? मम्मी बोली। व्हाट, क्या क्या? दैट मींस ही विल बी हियर फॉर वीक्स। अरे मिनिस्टर्स डोंट सी people for weeks, months. Oh my God. अच्छा अच्छा अच्छा, वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं, तब तो लो रहेंगे वो हफ्तों, रह सकते हैं महीनों, रह सकते हैं, क्योंकि मंत्री जो है लोगों से मिलते हैं हफ्तों नहीं
महीनों नहीं मिल पाते हैं, लोग मंत्री जी का चक्कर लगाते रहते हैं लगाते रहते हैं लगाते रहते हैं, बट मंत्री जी लोगों से मिल नहीं पाते हैं। अरे मामा जी को तो सप्ताह भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है यहाँ, ऐसा बोलते हैं मनोहर मालगांवकर जी। नेक्स्ट, इफ योर नन्नू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मम्मी या बोले मदर से, मम्मी कहती है देखो बबुआ, नन्नू काका अगर चाह ले मिनिस्टर से मिलना तो मैं श्योर हूँ, मुझे भरोसा है कि वो यूं ही जल्द ही मिल लेगा, उसको ज़्यादा लंबा टाइम तक वेट नहीं करना उड़ना पड़ता है ना, ऐसा मम्मी बोलती है। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, है ना, उतना चतुर है, इतना चालाक है मेरा भाई, नन्नू काका जी के बारे में बोल रहे मम्मी, इतना चालाक है जो उसको ज़्यादा टाइम उम नहीं लगने वाला, अरे दिन हो या रात हो मेरा भैया यूं मिल लेगा मंत्री से, तुम टेंशन नहीं लो, है ना, ऐसा कौन बोलती है, मम्मी जी बोलती है। किससे बोलती है, मनोहर मालगांवकर से। मनोहर मालगांवकर कौन है, चैप्टर के राइटर हैं, राइटर के मामा जी कौन है, नन्नू काका हैं। ओके नेक्स्ट, आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, क्या क्या, आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, कौन बोल रहे हैं, मनोहर मालगांवकर जी, यानी मनोहर मालगांवकर जी अंडर सेक्रेटरी के पद पे काम कर रहे हैं, ऑन प्रोबेशन, ओहो वो काम नहीं कर रहे, अभी ट्रेनिंग में हैं, है ना, क्या है, मनोहर मालगांवकर जी अंडर सेक्रेटरी के पद पे ट्रेनिंग में हैं, एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग टू स्टेप्स हायर देन गॉड। अरे हम तो अंडर सेक्रेटरी हैं, है ना, वो भी ट्रेनिंग पे हैं, लेकिन मंत्री जो होते हैं भगवान से भी दो स्टेप आगे होते हैं, क्या क्या, यस भगवान से भी दो स्टेप आगे होते हैं मंत्री लोग, है ना, द सेक्रेटरी इज बींग जस्ट वन स्टेप हायर, लेकिन सेक्रेटरी जो होता है वो भगवान से एक स्टेप हायर होता है, और हम तो अभी अंडर सेक्रेटरी हैं, तो हम कैसे मिलवा सकते हैं मंत्री संतरी से आपको, ऐसा बोलते हैं मनोहर मालगांवकर, जो हम अभी अंडर सेक्रेटरी हैं और आपको मिलना है मंत्री से, हम सेक्रेटरी के अंदर में हैं, वो भी ट्रेनिंगे पे हैं, ज़्यादा दिन से है नहीं, अभी ट्रेनिंगे चल रहा है, और आपको मिलना है मंत्री से, और मंत्री जो है भगवानों से दो स्टेप ऊपर होता है। सो हम इसमें कोई मदद नहीं करते हैं, कर सकते हैं मामा जी आपको, ऐसा कहते हैं मनोहर मालगांवकर जी। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म पर, तभी ट्रेन आई, इन थर्ड वे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज अ स्ट्रीकिंग फिगर व्हाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मॉस्टर्स, है ना, मैं स्टेशन पर इंतजार ही कर रहा था ट्रेन आने का, तब देखे जो मामा जी नन्नू काका जी सेकेंड क्लास, याद रखिए क्वेश्चन बनता है, सेकेंड क्लास कैरेज में, है ना, वो खड़े थे एकदम फिगर, एकदम मस्त, है ना, व्हाइट व्हाइट बाल, और उसके बाद इम्प्रेसिव मूछ, है ना, मामा जी का मूछ एकदम इम्प्रेसिव, पूरा व्हाइट व्हाइट बाल, और चेहरा तो एकदम मस्त, है ना, ऐसा वे सेकेंड क्लास के कैरिज में खड़े थे। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है, एज आई वेंट ऑफ ही हैंडेड मी अ बास्केट, जैसे ही मैं, जब मैं उनके पास गया, उन्होंने एक बास्केट, एक टोकरी मेरे हाथ में थमा दिया, है ना, क्या बोल रहे हैं, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, जैसे ही मैं उनके पास गया उन्होंने एक बास्केट, एक टोकरी मुझे थमा दिया, पकड़ा दिया, टेक दिस आउट क्विक ही व्हिस्पर्ड, विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। देखिए
ये सब इधर ना पूरा लाइन बाई लाइन थोड़ा कम किए हुए हैं, क्योंकि जितना जरूरी का है उतने हम लोग कर रहे हैं, आगे जैसे लग रहा है जो ज्यादा जरूरी है तो आगे पूरा कंटिन्यू है। मतलब ज्यादा फालतू का बात पे ध्यान नहीं दे के हम लोग को पूरा 100% कंटेंट पर फोकस करना है। ओके जी आइए, तो क्या बोले है, टोकरी पकड़ाए और बोले जल्दी 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 बाहर निकल, जल्दी निकल, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलता हूँ, ऐसा फुसफुसा के बोल दिए। कौन? नन्नू काका जी। किसको? मनोहर मालगांवकर को। क्या बोले जरा ध्यान दीजिए फिर से, बोला है टेक दिस आउट, टेक दिस आउट, पकड़ो जाओ जल्दी बाहर, क्विक। कैसे? क्विक, ही विस्पर्ड, ऐसा उन्होंने फुसफुसाया, विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, हम तुमसे मिलते हैं, तुमसे ज्वाइन करते हैं स्टेशन के बाहर। ओके जल्दी जल्दी निकल, है ना। आई आस्क नो क्वेश्चन, और हमने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, पकड़ा बास्केट निकला उठे से, है ना। क्वेश्चन, टुकड द बास्केट अंडर माई आर्म, बाहों में, जैसे महिलाओं के घड़ा देखते होंगे ऐसे करके लेती है, बाहों में हम टोकरी लिए, माई आर्म एंड टर्न ओनली टू बम्प इन टू एन इनॉर्मस मारवाड़ीज वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुर्का। ओ, जैसे ही मैंने कांख में दबाया, आर्म में दबाया टोकरी और मुड़ा कि मैंने एक विशाल मारवाड़ी महिला जो अपना सिर भुड़के से ढकी हुई थी उसको मार दिया धक्का खट से। ध्यान तो बाहर भागने पे था, देखा ही नहीं, जैसे आप लोग टर्न करते मार देते, टकरा देते हैं ना किसी से, वैसे बेचारा टकरा गया, है ना। बट माय अपोलो गाइस, और टकराने के बाद वो माफी भी मांगता है बच्चा, है ना, बच्चा नहीं मनोहर मालगांवकर जी, है ना, वो माफी भी मांगते हैं, है ना। वर drawn by the strange sounds emanating from the basket, the protest of an outraged kitten, है ना। बट माफी जो मांगे वो महिला सुनी भी नहीं, क्योंकि आवाज इतना हो रहा था, इतना शोर हो रहा था, उस बास्केट के अंदर में जो कीटन था, बिल्ली जो था, बिल्ली का बच्चा वो जो था, वो इतना शोर कर रहा, इतना शोर कर रहा, इतना शोर कर रहा था, जो कुछ उसे भी नहीं सुनाई दिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैसे शोर कर रहा था, स्पीड्स स्ट्रप्स म्यू म्याओ म्याओ म्याओ, इतना जोर जोर से शोर कर रहा था उस बास्केट में, है ना। सो महिला से माफी मांगे, वो बेचारी सुन नहीं पाई। ओके नेक्स्ट 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 बोल रहा है, नन्नू काका वाज ए लॉन्ग टाइम कमिंग, है ना, वो तो कैसे कैसे करके बाहर चला गया, लेकिन नन्नू काका बहुत देर बाद आए। कब आए? बहुत देर बाद आए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, स्टेशन का जो यार्ड था, बरामदा था, वो पूरा का पूरा खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और लास्ट टोंगा है वो भी जा चुका था। When he emerged, escorted by a fawing ticket inspector, है ना, अंतिम टांगा भी जा चुका था तब, एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट गार्ड आप लोग जानते हैं ना, जो सूट वूट में होता है, टिकट के टीसी जो ड्रेस में होता है, उस टीटी के साथ एकदम फॉर्म में, वो टीटी भी उन्हीं का चापलूसी कर रहा था, तारीफ कर रहा था, ऐसे टीटी को मना लिया, ऐसे फंसा लिया टीटी को नन्नू काका जी, जो वो टीटी बाहर तक छोड़ने आया। चालाक थे, होशियार थे, है ना, बिना टिकट के स्लीपर का टिकट लेके आ गए थे सेकंड क्लास में, और साथ ही साथ ऐसे मोटिवेट कर दिए टीटी को, जो टीटी अपना ड्यूटी छोड़ के बाहर तक छोड़ने आया नन्नू काका को। आइए, हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, पता है आए तो सेकंड क्लास में, यात्रा किए तो सेकंड क्लास में, लेकिन टिकट था थर्ड क्लास, थर्ड क्लास को स्लीपर के कैटेगरी में भी रखते हैं, है ना। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट amicably, पता है सब कुछ आराम से, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया, सब कुछ अरेंज हो गया, है ना। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, लेकिन एक बात बताएं बबुआ, टीसी जो था बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा भी हमको चलान काट देता, परेशान कर सकता था, जेल में डाल सकता था, बट बहुत अच्छा था, देखा बाहर तक हमको छोड़ने आया, बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? नन्नू काका जी बोले। किससे बोल रहे हैं? मनोहर मालगांवकर जी से। एट मदर्स
इंसिस्टेंस, मम्मी के बहुत 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 जिद के कारण हमें आई हैड टेकन टू डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, मुझे ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी लेना पड़ा और इन द आफ्टरनून और दोपहर में आई ड्रॉप नन्नू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैंने लेके गया नन्नू काका को नॉर्थ ब्लॉक, ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, आई वेटेड इन द कार पार्क, इट वॉज 2 hours बिफोर ही टर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। अब बताते हैं अच्छे से, ये जो है 2 दिन का छुट्टी लिया मनोहर मालगांवकर जी, और उसके बाद वो ना दोपहर को नन्नू काका को लेके गए कहाँ, नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्टर से मिलने। वो तो चले गए मिनिस्टर से मिलने के लिए नन्नू काका, बट अपने मनोहर मालगांवकर जी कार पार्क में उनका वेट करते रहे। बट 2 घंटे बाद कौन आते हैं, नन्नू काका जी, एकदम मराठी भाषा में, जैसे लोग का अपना भाषा होता है ना, लोग का अपना भाषा अपने भाषा में, पगला के फोड़ देव करो ऐसा वैसा, तो गाली जैसे टाइप का फुसफुसाते रहते हैं, ऐसा है ऐसा ऐसा कुछ करते रहते हैं, उस टाइप का अपना वो क्या कर रहे थे, सरवण फुसफुराते हुए बड़बड़ाते हुए एकदम आ रहे, कलरफुल कलरफुल तोरा है ना, ऐसे करके जो जो मन में आता है, कभी कभी आप लोग गुस्से में कोई टेंशन होता है नहीं बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, तो इस टाइप का अपना बड़बड़ाते आ गए। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, 2 hours आई स्पेंड, 2 घंटा बिता दिया बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, 2 घंटा बर्बाद हो, ई चपरासी से कहते थे जाते तो वो कहता था उसके पास है, उसके पास गए तो कहते उसके पास है, उसके पास गए तो उसके पास है, उसके पास कहते, ऐसे करते 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 2 घंटा बर्बाद हो गया, ट्रैम्पिंग फ्रॉम द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड सक्सीड इन गेटिंग ड्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। ओह इधर ई कॉरिडोर से ऊ कॉरिडोर, ई बरामदा से ऊ बरामदा, इधर से उधर, ई चपरासी से ऊ चपरासी, करते 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 2 घंटा बीत गया, फिर भी लास्टली बस अगर मिलने का मौका मिला तो किस से, डिप्टी सेक्रेटरी से, वो भी कब, 3 दिन बाद, बाप रे बाप, 3 दिन बाद मिलने का मौका मिला, अब जाके 2 घंटा बर्बाद होने के बाद, वो भी किस से, डिप्टी सेक्रेटरी से, मंत्री से ना, ऐसा कुछ बड़बड़ाते हुए एकदम अपना लैंग्वेज अपना भाषा में, दे धनादन गर्दा उड़ाते हुए आ गए अपने नन्नू काका जी। आइए अ गार्निश येलो स्पॉट्स कार, अब यहां से 22 पैराग्राफ से पूरा हम लोग लेके चलेंगे, ओके, यहां से अब एक स्टोरी बनने लगा जो कैसे कैसे ये मंत्री से मिले, जब इतना परेशान होने के बाद डिप्टी सेक्रेटरी से ही मिल पाएंगे 3 दिन इंतजार करने के बाद, और ये तो 2-3 दिन के लिए ही आए हैं जिसमें से 1 दिन तो ख़त्म हो गया, और 3 दिन बाद उससे मिलेंगे तो फिर मंत्री से कब मिलेंगे, ऐसा कुछ टेंशन था। तो अब यहाँ पर से एक कहानी मोर लेता है, और यहां से अगर पैराग्राफ गैप करेंगे तो फिर मजा नहीं आ पाएगा, क्लियर ना, तो यहां से अब कंटिन्यू करते हैं। अ गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश पास्ट अस ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, है ना, देखिए अब ना एकदम चमकते हुए खूबसूरत कार से एक लड़का जो है एकदम ब्लेरिंग इट्स हॉर्न, ऐसे हॉर्न को बजाते बजाते हुए पास से क्रॉस किया, और भी हाथ हिलाते हुए जो मामा जी नन्नू काका जी देख के पूछ दिए, अरे कौन है, है ना, जैसे देखिए आप हैं और आपका दोस्त, और आपको जब आपका दोस्त देखेगा तो खूब सीटी बजाए धक 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 धक, खूब सीटी बजाएगा, है ना, हाथ हिलाएगा, क्या 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 हाल है, ऐसा कुछ करते हुए एक लड़का उनके पास से गुजरा, है ना, व्हाट आर रूड मैन, नन्नू काका पूछते व्हाट आर रूड मैन, ये कौन अशिष्ट आदमी है जी, ये कौन लड़का है, हु वाज दैट, नन्नू काका आस्क, नन्नू काका पूछे ये लड़का कौन है, है ना, जो तुम्हारे ऊपर हाथ हिला रहा है एकदम मस्त गाड़ी है ना, हॉर्नों दबा दबा के बजा रहा है, कहाँ है, कौन है लड़का ये,
चैप कैल रतिराम, इसको चैप कहते हैं बट है ये रतिराम। बोलने को हम लोग चैप कहे चैप बोल चल के भाषा में नहीं किसी अपने दोस्त को नाम दे देते हैं, चैप बोलते हैं, है ना। लेकिन है वो क्या है, रतिराम। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, हाँ हमारे साथ काम करता है सेम मिनिस्ट्री में, ये लड़का हमारे साथ सेम मिनिस्ट्री में काम करता है, उसको चैप बोलते हैं बट उसका नाम है रतिराम। आई सी, अच्छा तुम्हारे साथ काम करता है। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो आपको पता है हजरत बरकत अली के बारे में, ये लड़का ना वही ट्रेड कमिश्नर के तौर पे है ना जाने वाला है विदेश, आपको तो पता ही होगा हजरत बरकत अली को द एम्बेसडर्स, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक अ कन्वर्सेशन, है ना इसका बात चल रहा है ट्रेड कमिश्नर के तौर पे ये विदेश जाने वाला है, आपको तो पते होगा हजरत बरकत अली के बारे में, ऐसा कुछ बोला मनोहर मालगांवकर। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन दिस फॉरेन असाइनमेंट, ननू काका आस्क, ननू काका मनोहर मालगांवकर से पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ यार तुमको कहा है ना विदेशी कार्य के लिए भेजा जाता है, जो इसको भेजा जाता है तुम ही तो समझदार हो होशियार, तब क्या कहते देखिए, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर, अंकल आई सेड समवट अनकाइंडली इट टॉक्स फुल। रतिराम, यहां पे रति, रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, है ना। जब नन्नू काका पूछते हैं इस मनोहर मालगांवकर से, अच्छा तुमको कहा ना विदेश भेजा जाता है, तब इसी बात पे ये मनोहर मालगांवकर कहते हैं आपको पता है जो पार्टी का बॉस जो है दिल्ली में वो सोहनलाल है, है ना, और ये जो है रतिराम जो है ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है, और ये मंत्री का बेटा होने के कारण इसको विदेश भेजा जा रहा है, हम तो सिंपल सा पर्सन है, सिंपल सा व्यक्ति है, है ना, तो हमको कैसे भेजा जाएगा, ये तो मंत्री का बेटा है इसीलिए भेजा जा रहा है। नेक्स्ट, नन्नू काका सेट अप विद अ जर्क, ये बात सुन के नन्नू काका को झटका लग गया और एक बार झट से गाड़ी के पीछे बैठे से बैठे ही रह गए, है ना। व्हाट वाज दैट, है ना, What did you say? क्या था? क्या बोला तुम? क्या बोला? सोहनलाल रतिराम सन? अरे ये जो लड़का गया इसे हॉर्न दबा दबा के बजाते हो एकदम मस्त गाड़ी में, ये सोहनलाल का लड़का है? ऐसा बोले, है ना। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, क्या यार क्या संयोग है, वाह वेल, बहुत अच्छा। ही लेंड, है ना, he leaned back in his seat and stared at me for a long time. ये बात सुनने को अच्छा, अरे वाह बच्चा तब तो मस्त तुम काम बता दिया, और हमको लॉन्ग टाइम तो स्टेयर मतलब घूरना, बहुत देर तक देखते रह गए, यार तुम पार्टी के बॉस का लड़का से दोस्ती और तब तुम अपने आप को इतना सिंपल समझ रहे, देखो अब हम क्या करते बच्चे, तुम टेंशन नहीं लो, है ना। यस, ऐसा कुछ उन बहुत लंबे समय तक उसको देखते रहे। नाउ लेट मी सी, अब ये सब बात मुझ पे छोड़ दो बच्चा, बस ये बताओ यू हैव गॉट अ क्लोज कलर जोधपुरी कोट, अच्छा एक बात बताओ तुमको बंद कॉलर वाला जोधपुरी कोट तो होगा, हैवंट यू, है ना, गुड है ना, यस अच्छा अच्छा चलो, एंड कैन यू टाई और टर्बन, और तुमको टाई वगैरह लगाना आता है, वो बोलते हैं नो विल, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, although आई एम नो एक्सपर्ट, देखिए मामा जी है बट मैं ये सब पहनने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कभी पहना नहीं है बट बस रखा हुआ है, है ना। दिस टाई एंड टर्बन कलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, और जो जिस टाइप का आप ड्रेस कहते हैं पहनने के लिए आज के टाइम में ये अच्छा नहीं लगता है, कोई उस टाइप का पहनता नहीं है, है ना। लेट्स गो होम, अच्छा चलो घर चलो, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम,
चलो चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगे ना लगे तुम टेंशन नहीं लो, चलो इसको घर पहुंचते हैं, उसके बाद चेंज करके ड्रेस आना, हम लोग चलते हैं एक किसी से मिलने के लिए। क्या? किसी से मिलने के लिए चलते हैं, बस तो चलो घर और चेंज करके मिलते हैं। फिर ये क्या बोलते हैं, सी हिम, अरे मिलने, बट किस से मिलने, मिलने देखने नहीं, यहाँ पे मिलने, सी का मतलब यहाँ पे मिलना है, मिलने पर किस से, वाई, लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, अरे बबुआ कहाँ किस से, अरे सोहनलाल से और कहाँ, है ना, तुम जो बोला जो वो जो लड़का था सोहनलाल रतिराम का बच्चा था, तो चलो मिलते हैं सोहनलाल से। लड़का मनोहर मालवीय को लगा कि जो घस कर ले हैं तो, है ना, चलो चलो मिलते हैं। डू यू नो हिम एट ऑल, अच्छा मामा जी आप सोहनलाल को जानते हैं? ये घबरा के यार पकला एकदम, सोहनलाल को जानता भी नहीं है और मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या बात है। तो क्या बोलते हैं मनोहर मालवीय को, क्या आप जानते हैं सोहनलाल को? ऑफ कोर्स नॉट, ननु काका सेड, ननु काका अरे पगला नहीं जानते हैं, ऑफ कोर्स बेशक नहीं जानते हैं, फिर भी इतना होशियार इतना काबिल है जो मिल लेंगे बतिया लेंगे, टेंशन नहीं लो तू, चलो 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 चलो। आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल ननु काका टाइड ह्यूज ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज देखिए याद रखिए क्वेश्चन बनेगा, ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, मैंने जोधपुरी कोट चेंज किया, उसके बाद हमारे सर पे पगड़ी बांधे ऑरेंज कलर का, है ना, एक्ट एज थ्रो यू वर माई ईयर और शॉर्ट ऑफ ए डी सी ही कंटिन्यूड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, है ना, ऐसे उनको तैयार किया जाए, लगता है कि मेरा ईयर है और हम जो है ए डी सी हैं, है ना, हम एडीसी हैं और लोग वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल, कहाँ चले गए, सोहनलाल जी के घर पे चले गए, जो सोहनलाल जी मंत्री थे दिल्ली, जो है दिल्ली के पार्टी के बॉस थे और उनका बच्चा था रतिराम। ओके जी आइए, अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ रिसीव अस, उन लोगों को सेक्रेटरी रिसीव किया जो सेक्रेटरी वाइट क्लॉथ में था, वाइट ड्रेस पहने हुए था, एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और दिखाया जो वो वाइट वाला जो रूम है, कूल सा रूम, ठंडा सा रूम, वहाँ जाने के लिए, है ना, बिफोर ही आस आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, है ना, पहले जाने के लिए बोला, फिर क्या कहता है उस उन लोग से बिजनेस के बारे में पूछता है, जो आने का पर्पस क्या है, अब किस काम से आया है, किससे मिलना है, क्या बात है, ऐसा कुछ वो सेक्रेटरी उनसे पूछता है। जस्ट ड्रॉप्ड इन, ननू काका सेड कैजुअली, है ना, बस यूं ही मुलाकात करने आ गए सोहनलाल जी से, ऐसा कुछ ननू काका बोलते हैं। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वर्सेशन, वैसे मैं आया था दिल्ली, जमींदार का सम्मेलन था, इसलिए जमींदार लोगों सबका सम्मेलन था, इसलिए मैं दिल्ली आया था, है ना, अ रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो आपको पता ही होगा जो अनऑफिशियल गैदरिंग है, लोगों का जमावड़ा है, है ना, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, आप लोगों को पता है जो आजकल जमींदार लोग उतना पॉपुलर नहीं है, उन लोगों का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, है ना। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, ही वांट्स टू सी मी, है ना, वीपी जो है वो वीपी ऐसे ही नाम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, है ना, जो वीपी जिससे लोगों को लगे कि जी यार कोई बड़ा सा व्यक्ति होगा जिससे, तो ये बोल रहे हैं कि वीपी हमको केबल भेजा था जो आओ तुमसे मिलते हैं, ननू का कैसा बोल रहा है, बट ही वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो, है ना, बट वो वाशिंगटन से कल तक आने वाला है नहीं, हमको बुला लिया लेकिन अभी तक आया नहीं है, है ना, आई दो आई माइट एज वेल आई थॉट ओके I thought I might as well see Lala ji and tell him what arrangements we, the Jamindars
हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल बोर्ड। तो हमने सोचा यार बैठे बैठे चलो लाला जी से मिल लेते हैं, जो हम लोग का जो जमींदार लोगों का जो वोट का कैसे कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं अब की बार इलेक्शन में कैसे क्या सब होगा, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं कौन अपने नन्नू काका जी। बट नन्नू काका के इस बात को उतना वैल्यू नहीं देता सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी क्या कहता है नन्नू काका जी से, जो देखिए मंत्री जी जो हैं लाला जी जो हैं वो बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के किसी से मिलते नहीं हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बता दिया उसको नन्नू काका जी को। देखिए ना क्या बोल रहा है नन्नू काका, शॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वॉज जस्ट बींग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। जब ये बात बोले तो सेक्रेटरी के फेस में उतना इम्प्रेशन नहीं आया, वो हल्के में ले लिया क्या, तो ये क्या है, ये कौन पगला आ गया बहुआत, है ना, ऐसा कुछ उसके फेस से। किसी से बात करते हैं तो उसके फेस से आप पकड़ सकते हैं कि वो आपकी ओर आकर्षित है, वो आपको वैल्यू कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है, ये आप उसके फेस से समझ सकते हैं, है ना। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, है ना। द सेक्रेटरी सेड ही सेल्डम सीज ईयर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। वो जो है हम को पता चल गया था जो लाला जी फ्री हैं, अनुभव कुछ कुछ अनुभव ऐसा फ्री है, लेकिन सेक्रेटरी क्या बोलता है जो लाला जी किसी से नहीं मिलते बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के, है ना। प्रीवियस अपॉइंटमेंट नियुक्ति पर जैसे पहले से अपॉइंटमेंट रहता है, जो आज 10 बजे ये व्यक्ति मिलने वाले हैं, कल 2 बजे ये व्यक्ति मिलने वाले, इसको कहते प्रीवियस अपॉइंटमेंट, है ना। तो जब तक ये नहीं पता हो जो कौन आने वाला है कैसे आने वाला है, बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के लाला जी किसी से मिलते उलते नहीं हैं। बट नन्नू काका को ये एहसास हो चुका था जो नेताजी फ्री हैं बट वो मिलना क्यों नहीं चाहते, है ना। लेकिन वो अपना पासा पलट दिए, बात करने का अंदाज बदल दिए। अब देखिए लाला जी कैसे क्या करते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, कह रहे एकदम फ्री हैं लाला जी, फ्री हैं, कन्फर्म फ्री हैं, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हेयर द अनहरिड गर्गल ऑफ द हुक्का एंड देन वी कुड हेयर द हटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। ये पता है जो बगल वाले रूम में लाला जी हैं, क्योंकि वो जो है हुक्का का आवाज़ सुनने से वो गेस कर लिए जो लाला जी फ्री हैं, है ना, तभी तो हुक्का पे हुक्का मार रहे हैं। आइए जो है पगला सेक्रेटरी हमको बड़गला रहा है, हमको बेवकूफ़ बना रहा है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट डे इट इज टुडे नन्नू काका आस्क मी, है ना। अब देखिए नन्नू काका का रुतबा चेंज हो गया, अब नन्नू काका का रुतबा चेंज, देखिए क्या सब होता है, है ना। आज कौन सा दिन है नन्नू काका ने पूछा मुझसे, मनोहर मालगांवकर से पूछे नन्नू काका, जैसे बताओ यार आज कौन सा दिन है। नेक्स्ट 40 में बोल रहा है, आई थॉट ही वाज स्पीकिंग एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। मैंने सोचा ये इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं, ये इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं, आज कौन सा दिन है, है ना। तो मैंने ओनली बोल दिया ट्यूजडे, आई टोल्ड हिम, बस मैंने उन्हें बोल दिया टोल्ड हिम। बट ये नहीं समझ पाया ये इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं। कभी कभी आप लोग कान में लगा कर एकदम डीजे बजा रहे हैं, डुम 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 डुम, कोई पूछा आवाज़ दिया तो अभी एकदम जोर से बोलते हैं, अगला बहुत चक्का हो जाता है, ये क्या है इतना जोर से, पागल तो नहीं हो गया। यस, यही बात यहाँ पे इसको भी लगा, यार इतना जोर से क्या है बोल रहे हैं, मैं तो पास में ही हूँ, सीधा पूछता है कौन सा दिन है, लेकिन इतना जोर से बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें इनसे पूछने से ज़्यादा अगला लाला जी को, सोहन लाल जी को सुनाना था जो क्या हम कहना चाह रहे हैं, वो इनका ध्यान आकर्षित हो इस टाइप। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बोल दिया ट्यूजडे, ऐसा कौन बोलते हैं, मनोहर मालगांवकर जी। नेक्स्ट, ओह ओनली ट्यूजडे, यार आज मंगल ही है, एंड टू थिंक डेट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूट, अमेजिंग इजंट इट।
है ना, ये इजेंट इट जो है ना, यही आपका क्वेश्चन टैग है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्वेश्चन टैग, उसमें ये चीज पढ़ाते हैं। अब तुम हम खाते हो है ना, तुम हम नहीं खाते हो है ना, ऐसा तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओहो यार आज मंगल ही है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग संडे को कहाँ रहेंगे, बेरूत में रहेंगे, है ना। ये बात हमें अद्भुत लगा और हम भी कह हाँ 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 बस मान लिए। क्या बोल रहा है, आई आई सॉलिड हार्ड अमेजिंग आई एग्री, है ना। मुझे तो ये बात जो मैं बेरूत में रहूँगा, ये बात हजम नहीं हो रहा था, पच नहीं रहा था, फिर भी हम बस हाँ जी कर रहे थे मामा जी का, है ना। नेक्स्ट, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई हैड स्टिल बी अब्रॉड, अब्रॉड मतलब याद रखे विदेश होता है, अब्रॉड मतलब विदेश, अब्रॉड ओल्ड एच वी वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, मुझे विदेश मंत्री से मिलवाने के लिए पगला जो एच वी था हजरत बरकत अली, वो पगला मरा जा रहा था, चलो ना चलो ना चलो ना दोस्त नन्नू जा काका जी चलिए ना, है ना, विदेश मंत्री से मिलते हैं। अब देखिए ड्रामा काहे हो रहा है, क्योंकि इसको पता है इसके अपने भांजा के द्वारा मनोहर मालगांवकर के द्वारा सोहन लाल को विदेश मंत्री से काम है, तो ये अपने बारे में बोल रहे हैं, अरे यार हमको तो मेरा दोस्त जो है हजरत बरकत अली विदेश मंत्री से मिलवाने के लिए एकदम मरा जा रहा था। देखिए क्या बोल रहा है, डाइंग टू ड्रैग, ड्राइंग टू ड्रैग मतलब होता है मरा जाना, है ना, किसी काम के लिए मर एकदम मरल जा रहा हो कि एकदम आप भी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ। द एसटीडी, एसटीडी मतलब कंटिन्यू नियमित, गार्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, ओ हो जो चाहे थे वो हो गया, जैसन मांगल कुटुम वैसन मिलल कुटुम, है ना, जैसा सोच रहे थे वैसा मिल गया। ये उसी को सुनाना चाह रहे थे सोहन लाल को, ए सोहन लाल जी अहाँके सेक्रेटरी हमारा हल्के में ले रहा बा, सब इस पगला नहीं समझत, ए लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा आवाज में अपना बोलने लगे नन्नू काका जी, सोहन लाल जैसे विदेश मंत्री के नाम से द्राक से बंद कर दिया, द्राक से बंद कर दिया सोहन लाल अपना हुक्का। अरे यार इतना इंपोर्टेंट पर्सन हमारे दरवाजे पे और हम बगल में मार रहे हैं हुक्का पे हुक्का, हद तरीके, बंद कर हुक्का, चल, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट डिड यू से, नन्नू काका आस्क्ड, ऑल्दो आई हैडन्ट इवन ओपन माई माउथ, है ना। नन्नू काका बोलते हैं क्या बोला तुम, क्या बोला मनोहर, क्या बोला मनोहर जी, बोलने भगला हम मुंह ओपनो नहीं किया, मुंह नहीं खोल लिया, क्वेश्चन क्या बोला, है ना, ड्रामे तो चल रहा है ना, क्या बोला, है ना, व्हाई डिडंट, अब वो तो कुछ बोले नहीं तब तक ये बोल रहा है, व्हाई डिडंट स्टे बैक, यू नो हाउ इट वॉज विद एच वी द लास्ट टाइम वेन ही वॉज इन जिनेवा, जब हम एच वी के साथ हजरत बरकत अली के साथ लास्ट टाइम पिछले बार जिनेवा गए थे, पता है, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे एस की हैड बीन सेंडिंग मी केवल आफ्टर केवल, बाप रे बाप, पिछले बार जब जनेवा, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक हो जाएगा, है ना, अब लोगों को पीडीएफ सही वाला मिल जाएगा, ओके जी। चलिए तो ये क्या है, बोल रहा है जब पिछले बार जनेवा गए थे, बाप रे बाप, केवल पर केवल, केवल पर केवल, केवल पर केवल, है ना, मेरे लिए भेज रहा था एसके के पास कौन, एचबी, है ना, जो चलो आप भी आओ थी इसमें कॉटन टॉक में भाग लो, कॉटन टॉक में शामिल हो जाओ। नेक्स्ट, That was the moment, उसी समय लाला सोहन लाल रतिराम came rattling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was a smothered saccharine courtesy of the seasoned political campaigner
Soon, as the introducing were over, the secretary was sent briskly off to order coffee and sweetmeats and pan. है ना, देखिए जैसे ही वो खिसकते खिसकते आए अपना सोहन लाल जी बाहर सेक्रेटरी के साथ जहाँ पे नन्नू काका वगैरह बैठे थे वहाँ पे आए, जैसे कुछ अपना कंपेनर बात होने लगा इसके बारे में जो कैसा पॉलिटिक मुद्दा क्या है, आप लोग के इधर कैसा है ना माहौल, ये सब होते होते तुरंत वो ख़त्म हुआ और ऑर्डर दे दिए कौन, सोहन लाल जी, किसको, सेक्रेटरी, रे पगला जाओ जल्दी कॉफ़ी लेके आओ, मिठाई लेके आओ, भैया पान लेके आओ, है ना, ये नन्नू काका जी आए हैं, पगला तुम उस समय से बैठा ले है, आदर सम्मान नहीं किया, बकलोल है कि, है ना, ऐसा कुछ अपना लंबा लंबा मारने लगे, कौन हो, सोहन लाल जी। नेक्स्ट, द स्प्रेड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स वोट एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रैस्टॉक। ओके, ब्रैस्टॉक पे आ गए। आई हेयर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेट विद इन इनिग्रेटिंग, है ना, एकदम आदर के साथ, जैसे थोड़ा कुछ बात हुआ वोट उट के बारे में और आदर के साथ क्या बोलते हैं सोहनलाल जी नन्नू काका से, ये सुने हैं आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, ऐसा कुछ कौन बोले, सोहनलाल जी, ओ ओल्ड एचवी, हाउ डिड यू नो, आपको वैसे कैसे पता चला जो हमको पता है, अरे पगला अभी तो जोर जोर से बोल के सुनाया था, अब देखिए ड्रामा कैसे कर रहे हैं नन्नू काका, अरे वो एच वी पगला बुढ़वा, है ना, आपको कैसे पता जो हम उसको जानते हैं, आई नो एच वी, हाँ हाँ मैं एच वी को जानता हूँ, बहुत अच्छे जानता हूँ, है ना, एक्चुअली वी वर एट ए स्कूल टुगेदर, अरे का पता, हम और एच वी दोनों हजरत बरकत अली स्कूल में साथ ही पढ़े हैं, लंगोटिया यार हैं, है ना, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, अरे वो जो है हजरत बरकत अली वो तो हमको हमेशा अपना बड़ा भैया के जैसे मानता है, पता है, रैदर टचिंग रेयरली इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, आज तक भी कभी भी अगर उसको बड़ा डिसीजन लेना होता है तो बिना हमसे कंसल्ट किए कभी वो आज तक बड़ा डिसीजन लेवे नहीं किया है, वो हमको बड़ा भाई मानता है। When the PM offered him, जब PM उसको ऑफर दिए थे एम्बेसी के लिए, who do you know think had to make up HB's mind for him, ये सब बात HB के माइंड में कौन दिया, कौन उसको सजेस्ट किया, पता है आपको, अरे भैया हम ही, क्या बोल रहा है, यू, आप, सोहनलाल बोलते यू आप, यस हम ही, है ना, दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड एचवी, हाँ मैं, प्यारे बूढ़े एचवी को मैंने ही सजेस्ट किया था, हा Laughed Sohanlal, now showing all his pan extended. In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. आज मेरा कितना बढ़िया खुशनुमा दिन है जो आप मेरे गरीब खाने पे पहाड़े नन्नू काका जी, आप मेरे गरीब खाने पे आप आए, कौन बोला है ऐसा, सोहनलाल जी, जब वो हा 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 किया सोहनलाल तो उसका जो पान से खाता हुआ दांत जो था टीथ पूरा धब्बा धब्बा सा लगा हुआ सब दिख रहा था, अब ना हा हा कर रहा है और बोला कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है जो आप मेरे यहाँ पधारे, है ना, वेरी लकी, क्या बोल रहे हैं अपने आप को सोहनलाल जी, वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्टर हियर, ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, बट यू नो हाउ देयर आर विल्स विद इन विल्स, है ना, समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, अबाउट सम
ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू पॉवर्टी एक्चुअली इट वॉज अ परफेक्टली लेजिटिमेट, है ना। क्या बताएं भैया, हमारा जो बेटवा है, मेरा बेटा जो है वहीं जाने वाला था विदेश ही बैलेंस मिनिस्ट्री के पोस्ट पे, है ना। और कौन है सो हजरत बरकत अली के माइंड में हमारे लड़का के बारे में उल्टा पुल्टा पॉइजन भर दिया, सब किया धराया नाश हो गया। क्या हो गया, सब किया धराया नाश हो गया, भर दिया हमने लड़का के बारे में उल्टा पुल्टा। नेक्स्ट, ननू काका वेब्ड एनी फर्दर एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन एन एक्सप्लेनेशन डेट शुड बी क्वाइट सिंपल। ही अनाउंस्ड आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। मैं ये बात के लिए क्या बोले, ओहो कोई बात नहीं, कोई स्पष्टीकरण देने जब दे रहे थे ननू को, तो कोई बात नहीं, कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है सोहन लाल जी। मैं HB को हजरत बरकत अली को क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, जो अपना जो लड़का है आपका रतिराम, उसको कोई कुछ होना नहीं चाहिए, सेलेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। मैं उसके कह देगा, कह दूंगा उसको, है ना, टेल, मैं उसे कह दूंगा, वो रख लेगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। नो 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 नो, डोंट थैंक मी, है ना, एट ऑल। अभी सोहन लाल जी थैंक यू भी नहीं बोले, और नन्नू का बोल, कोई 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 थैंक यू की कोई बात नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है सोहन लाल जी। आपका लड़का हमारा लड़का, है ना, हम आज HB को लिख देते हैं, बोल देंगे जो रतिराम को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रतिराम को, है ना। आफ्टर ऑल वी वर विमेन इन द पब्लिक आई, है ना, मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, है ना, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, है ना। तो नन्नू काका बोलते हैं, आखिर हम लोग सामाजिक आदमी हैं, अगर एक दूसरे की मदद ना करेंगे तो क्या करेंगे। ये बात सुन के सोना जी हा करने लगे और कहते हैं, क्या बोलते हैं, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, कर भला तो हो भला। देखिए नन्नू काका जी, आप मेरे घर पे पधारे, आप मेरे लिए भगवान हैं। देखिए हम भला कभी के किए हुए होंगे किसी का, इसीलिए आप मेरे यहाँ आए और इस इतना बड़े मामले को इजीली निपटा दिए। वाह, बहुत 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 धन्यवाद मेरे नन्नू काका जी को, है ना। कौन बोलते हैं, सोहन लाल जी। आइए नेक्स्ट क्या है, नन्नू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्पून्स एंड टुक अ पिंच। पता है ना, जब कोई मामला को सेट कर लेते हैं नन्नू काका, तब निकालते हैं एक चुटकी, कह नहीं, जैसे कोई लोग का काम खूब खुशी हुआ तो लगा पैक पर पैक। नन्नू काका जब खुशी मिलता था तो लगाए चुटकी, डाले सूंघने लिए, मजा लिए, है ना। सबका अपना अपना होता है मस्ती करने का तरीका, ओके भैया। चलिए, तो जब भी ये कोई अचीवमेंट करते हैं तो अपना ये सिल्वर स्पून रखे हुए हैं, उसे निकालते हैं एक चुटकी, सूंघ लेते हैं, देन प्लिकिंग, है ना, ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, है ना। अब इसी के साथ, है ना, उन्होंने क्या किया भैया, अपना अंगोछा निकाले, गमछा निकाले, और कयोग कैजुअली मतलब आराम से सहलाए, और क्या बोले, जो द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर, और वहीं पे क्या कर दिए, वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिए चुपके से, अपना अंगोछा झाड़े और साथ ही साथ वेलफेयर मिनिस्टर का नाम भी ले लिए। नन्नू काका तो नन्नू काका, ये तो पगला चारों तरफ दिमाग चिड़िया ले रहता है, नाम ले लिए। जैसे ही उसका नाम लिए नन्नू काका, अरे भैया सोहन लाल के चिंता के लकीर माथा पर था, सब गायब हो गया। देखिए ना क्या बोल रहा है, है ना, द फिक्स ग्रेन ऑन सोहन लाल, है ना, जैसे उसका नाम लिए, है ना, फिक्स ग्रेन मतलब चिंता की लकीर ऑन सोहन लाल फेस वैनिश्ड, गायब हो गया। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स नन्नू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली, है ना, जैसे ये किए उसका नाम लिए, फिर
चिंता की लकीर तो गायब हो गया सोहनलाल के सर पर से, है ना? जन कल्याण मंत्री? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सोहनलाल ने कहा आपका दोस्त है क्या, है ना? ये जो है वेलफेयर मिनिस्टर, आपका दोस्त है क्या? तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ऐसा कोई बात नहीं है भैया, ऐसे ही बोल दिए, नाम याद आ गया था। अच्छा अच्छा, आई एम सो ग्लैड, क्या बोल रहे हैं? आई एम सो ग्लैड सोहनलाल सेठ। सोहनलाल बोला मैं बहुत 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 खुश हूँ, रिलीव्ड, सो ग्लैड डैट मैन सच अ इनग्रेटिट्यूड। अरे आदमी वेलफेयर मिनिस्टर पगला, वो खत्म आदमी है, नमक हराम है। आई गेव हिम अ टिकट, अरे मैंने उसको दिया था टिकट अब के बार इलेक्शन में, है ना? आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, हर एक तरह से उसको हेल्प किए हम, हर एक तरह से हेल्प किए। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और पता है मुझे बदले में क्या मिला? देखिए ना पगला, इतना खत्म, इतना नरम घरामी है, टिकट दिए, सब तरह से मदद किए, अब पगला का किया? बोल रहा है इट रिटर्न आवर डेट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन। इस बात से नन्नू का को ये रियलाइज हो गया जो वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल दोनों जिगरी दोस्त थे, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे की खून के प्यासे हैं, जानी दुश्मन बन चुके हैं। ड्रैगर्स ड्रॉन एक फ्रेज होता है जिसका मतलब एक दूसरे के खून का प्यासा होना। ओके, सिंस लास्ट ईयर व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर्ड अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, यानी पिछले बार लाला जी अपने बेटे के शादी के लिए प्रस्ताव भेजे जो यार वेलफेयर मिनिस्टर जी आप अपना बेटी की शादी हमारे बेटे से करवा दीजिए, रतिराम से करवा दीजिए, ऐसा कुछ मैंने उसको भेजा। सोहनलाल जी बोल रहे हैं जो मैंने वेलफेयर मिनिस्टर को ऐसा कुछ भेजा, बट देखिए क्या होता है आगे। ही वांट्स अ प्रिंस, लेकिन वो जो है पगला प्रिंस ढूंढ रहा है, राजकुमार उसको चाहिए, हमें रतिराम पसंद नहीं है, उसको क्या चाहिए? राजकुमार। सोहनलाल स्नॉर्ट, नाक बिचकाते, नाक बिचका, व्हाट इज अ प्रिंस, क्या होता है प्रिंस, कहाँ है प्रिंस, है ना? दिस डेज आज के जमाने कहाँ मिलता है प्रिंस, क्या होता है प्रिंस आज के जमाने में, है ना? है ना कॉन्फिडेंटल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज वर्न्ट हिज पोर्ट, है ना? ये जो मंत्री जो है वेलफेयर मिनिस्टर, ये पगला ब्रंट हिज वोट मतलब होता है अपना नहीं अपने डुबो लेना, ज़्यादा काबिल बनता है, अपने बेटी के लिए राजकुमार ढूंढ रहा है, आई नहीं जानता जो अपना नैया अपने जला लिया, पगला अपना नैया अपने डुबो लिया, अपना पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिया। देखते हैं कौन देता है ओकरा टिकट अगला बेरी, है ना? आई हैड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवेन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। देख लेते कौन ओकरा दे देता है टिकट अगला इलेक्शन में। प्रिंस चाहिए, वेरी सरप्राइज्ड ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचा दिखाया, एंड वांट्स अ प्रिंस, वाह, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड हैव एन कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी कैन ऑस्पियस मैच। चला है राजकुमार ढूंढने, पगला के अभी तक तो जन्म कुंडलियों नहीं मिलाया गया है, है ना? ज्योतिष होरोस्कोप मतलब होता है ज्योतिष, है ना? होरोस्कोप के द्वारा जन्म कुंडलियों नहीं मिला है, जहाँ सोच रहे शादी करने का सोच रहे अपना बेटी के,
चल रहा है राजकुमार ढूंढने। डिसग्रेसफुल ननू काका स्नॉट। काका भी नाक से भनभनाते हुए बोलते हैं एकदम डिसग्रेसफुल बात है, एकदम शर्म की बात है भैया, एकदम शर्म की बात है। आप ही टिकट दिए, आप ही कर्म, इतना महान आदमी बना, आज थोड़ा आगे बढ़ गया तो कहता है हम अपना बेटी के तोरा बेटा से नहीं करा, हम राजकुमार से करवाएं। बाप रे, बहुत गलत है, बहुत एकदम शर्म की बात है। वैसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, डिसग्रेसफुल, एकदम शर्म की बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से? अच्छा एक बात बताइए सोहनलाल जी, आप कौन प्रिंस के बारे में बात कर रहे हैं? नन्नू काका तो नन्नू काका, ये तो बेचारा मौका के तलाश में कोई कुछ बोले, बस बोले। जैसे ही बोले, जो ढूंढ रहा है, जो जहां ज्योतिषी से अभी कुंडलियों नहीं मिलवाया गया है, मतलब इसको पता है कौन राजकुमार के बारे में बात हो रहा है। ला सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नोरा। अरे दो टके का, टू और पेनी में स्पेस है, अरे वो दो टके का निन्नोर प्रांत है ना, पेनी मतलब दो और पेनी मतलब टका, अरे दो टके का राज्य है निन्नोर, वहीं का एक लड़का है बकलोला, ओकरे से अपना बेटी के शादी करते। He left the house soon after that, और जैसे ही नन्नू काका को एगो मिला नुक्सा और भागे घर से, है ना, उनको तो एक मिल गया मंत्री से मिलने वाला, क्योंकि ये तो मंत्री का बॉस है। अरे भैया सिग्नेचर तो मोदी जी के चाहिए ना, अभी तो मुलाकात हुआ है केकरा से, अमित शाह से, अमित शाह से काम थोड़ी होता ही हो, चाहिए तो मोदी जी से मुलाकात। सीधा अमित शाह के घर छोड़ा, निकला मोदी जी के पास, मतलब सीधे सोहनलाल के घर से निकलने का सोच रहा है और जाना चाह रहा है कहाँ, वेलफेयर मिनिस्टर के पास, है ना। नन्नू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचवी दैट वेरी डे एज वी ड्रॉव अवे बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वर वॉइंग टू हिम फ्रॉम द प्रोच, प्रोच में तो होता ब्राह्मदा, है ना। अब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नन्नू काका बोल रहे हैं जो हम आज फिर हम आपको विश्वास दिला दें, हम आज एचबी को फ़ोन करेंगे हजरत को और कहेंगे जो देखिए सोहन जी का जो लड़का है रतिराम वो ठीक ठाक लड़का है, वो आपके कान में कोई भर दिया उल्टा पुल्टा, ऐसा कोई बात नहीं है, हम मिल के आए हैं, है ना, और घबराइए नहीं सोहनलाल जी, ये काम सब हो जाएगा। इतना बात सुनते ही ये सब जो है सोहनलाल जी और उनका जो सबसे वरिष्ठ सेक्रेटरी था वो साथ में आया बरामदे तक उनको छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है नन्नू काका वाज स्ट्रैंगली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर बट ही इन द मॉर्निंग ही वाज चैप्पी अगेन। बात क्या हुआ, जिस दिन सोहनलाल जी के यहाँ से घर पे गए नन्नू काका, उस दिन एकदम शांत थे, बिल्कुल शांत गए, खाना खाए और बस लेट गए, नो टेंशन, सो गए। जैसे ही कल सुबह फिर उठते हैं, फिर चरपट 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 एकदम फुर्ती फुर्ती में एकदम फिर चरपी मतलब फिर से फड़फड़ाने लगे एकदम अगेन। अरे कहाँ है मनोहर, कहाँ है मनोहर, कहाँ है मनोहर, एकदम धराधर धराधर मारने लगे। We are going to the minister's house this morning, he announced. अब आज सुबह एक एक बार अनाउंस कर दिए नन्नू काका, ए कहाँ है मनोहर भाई, चलो 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 आज चलना है मंत्री जी के यहाँ, कहाँ मंत्री जी के घर चलना है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, नॉट मी प्लीज अंकल, अपील करने लगे, अर्जी करने लगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, मामा जी हम नहीं जाएबो, हमरा छोड़ दो, हाँ हम नहीं जाएबो, हमरा छोड़ दो, कौन कहे अपने मनोहर माडगांवकर जी, किससे नन्नू काका से। ही इनहेल्ड समसन ऑफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव forgetting
और उनका जो प्लान तो पते हैं, चाहे खुशी हो चाहे गम, मारे खोले स्नप का डब्बा लिए सुंघनी, आनंदित हो जाते हैं। जी बोले ना 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 नहीं जाएंगे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ऐसे उनका भाव हो गया जैसे जो कुछ बोले वो भूल गए, मतलब नन्नू काका के बात, नन्नू काका जो बोले वो तो उनको याद है, बट मनोहर मालगांवकर जो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ बात, ये सब बात तो भूल गए, सुने ही नहीं, अनसुना कर दिए, ऐसा कुछ लगा है ना। व्हाट आर आई सेड दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। देखिए ये बेचारा बोल रहा है नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं ए मनोहर तुम्हारा कार ना बहुत पुराना है और बहुत छोटा है। क्या क्या? दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड, बहुत पुराना, बहुत जरूरत से ज्यादा पुराना। टू मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, याद रखिए टी डब्ल्यू टू मतलब जरूरत से ज्यादा। सोहन मनोहर तुम्हारा जो है गाड़ी जरूरत से ज्यादा पुराना है और जरूरत से ज्यादा छोटा है। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमको तो एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, बढ़िया वाला इम्प्रेसिव कार चाहिए, है ना। यू नोटिस हाउ डेट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली। अच्छा एक बात ध्यान दिया था, सेक्रेटरी जो था सोहन लाल का, वो हम लोग को पहले बार हल्के में ले लिया था, है ना। कैसे ले लिया था? हल्के में ले लिया था, एट फर्स्ट, पहली बार, है ना। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। हम लोग आज जो जाएंगे मंत्री जी के यहाँ, एकदम बड़ा सा कार लेके जाएंगे जो बिल्कुल, जैसे कभी कभी आपके गांव में कोई अजूबा सा चीज आ जाता है, आप लोग देखते ये बाप रे गजब की हाल है, कहाँ से ना केकर है, यही बात। तो ऐसा कार से चलेंगे मंत्री जी के यहाँ, कोई नहीं देखा हो ऐसा कार, एकदम बिल्कुल डिफरेंट, जो लोग आगे पीछे ऊपर नीचे, ये वाह वाह वाह, कौन है, कहाँ से आए, कैसे है, ये ऐसा वाला बात चाहिए, है ना। सो हमको तो चाहिए भाई एकदम अलग कार, है ना। वाट अबाउट यू टैक्सी? लेकिन मनोहर मालगांवकर क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा टैक्सी कैसा रहेगा मामा जी, टैक्सी कैसा रहेगा? कौन बोला? मनोहर मामा किसको? नन्नू काका जो, नो 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 नॉट टैक्सी, पगला गया है क्या, टैक्सी हाँ, हम जब टैक्सी से अब प्राइवेट कार चाहिए, क्या चाहिए, अ प्राइवेट कार, ड्राइव इन अ लिवर्ड चौफर, बिगर द बेगर द बेटर, है ना। देखिए ऐसा कार चाहिए, एकदम बड़ा सा कार चाहिए, जितना बड़ा उतना बढ़िया, क्या बोल रहे हैं, द बिगर द बेस्ट, जितना बड़ा उतना बढ़िया, और वो भी ड्राइव कौन करेगा, एकदम वर्दीधारी ड्राइवर। अब अगर डीएम से मिले जाइए तो डीएम साहब का गेट खोलने वाला जो होता है, ड्राइवर जो होता है एक अलग टाइप का होता है ना। तो ये जो होता है तो जितना बड़ा उतना बेस्ट यार, है ना, और ड्राइव करने वाला भी वर्दीधारी हो, ऐसा मुझे चाहिए। आई रिमेंबर्ड डैट एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस जान पहचान का, अच्छा अच्छा रुकिए मामा जी, एगो हमारे जान पहचान में है, ऑफ माइन हीज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ एंड इनॉर्मस, है ना। देखते हैं, बहुत दिन से बेचने का सोच रहा था, देखते हैं है कि बेच दिया, स्टेटली अलीशान है एकदम, है ना, आउटलैंडिश भी है, विदेशी कार है, आउटलैंडिश कार, दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन, है ना। आई टोल्ड नन्नू काका अबाउट इट, क्या एक खबर जान पहचान में है, कार एकदम मस्त था, है विदेशी कार है, है ना, वो ज़्यादा कोई काम नहीं करते हैं, बस वो कोर्ट प्रोसेशन में जाते हैं, उसी के लिए बनवाए हुए हैं, बाकी कोई काम नहीं उनका, है ना। क्या वो चलेगा? दैट्स
इट, दैट्स इट, ये हुई ना बात। कौन बोले? नन्नू काका। ए दैट्स इट, वाह बेटा, ये हुई ना बात, है ना। वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ, संक्षिप्त में ब्रीफ मतलब ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। अब जैसे ये बात बोले तो खुशी से झूम कर नन्नू का काका बोलते हैं, वाओ मनोहर, ये हुई ना बात। यस आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्यून वायर्स, बट डू वी, दिज मोटर कार टॉर्च कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। देखिए मामा जी, बात तो ठीक है, कार तो मिल जाएगा, लेकिन दिखने से भी अलग से ही लगना चाहिए जो हम लोग ओरिजिनल खरीदार हैं, जेन्यून खरीदार हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, है ना, कौन ये मोटर कार टॉर्च, वो जो मोटर कार के दलाल होते हैं, मोटर कार बेचने वाले जो होते हैं भाई, वो खरीदार को अलग से ही भाव लेते हैं, जो खरीदे लायक है कि ऐसी घूम रहे हैं, औकात पकड़ लेते हैं, वो आपको देख के आपके हाव भाव से आपके बोलने के अंदाज से वो आपको गम लेंगे जी, पगला खरीदे लायक है कि ऐसे टाइम पास करने आया है, है ना। यू लिव दैट टू मी, ए पगला, नन्नू काका बोलते हैं, पूरा पढ़ ही नहीं थे, नन्नू काका से, नन्नू काका कहते हैं, यू जस्ट लिव द डील्स टू मी, ये सब का टेंशन नहीं लो, ये सब तुम हमरा पर छोड़ दो, क्या क्या, ये सब बात तू हम पे छोड़ दो, कैसे वो डीलर से फड़ियाना है ये हमको पता है, बस है ना कार, हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवर्ड चौफर, आई आस्क, ठीक है मामा जी, ये बात तो समझ गए, लेकिन ये बताइए जो ड्राइवरी कौन करेगा, हो वो जो बर्दी धारी वाला, मान लिया जो तू फरिया लेगो, फंसा ले वो डीलर के, लेकिन बर्दी वाला ड्राइवर कहाँ से आते हैं। यू ऑफ कोर्स, नन्नू काका सेड ब्लाइंडली, यूं ही आसानी से, मन रे पगला, तू चलाएगा और के, तू चलाएगा और तू चलाएगा, बर्दी धारी ड्राइवर तू है, चल। कौन बोलते हैं ऐसा? नन्नू काका जी। किससे बोलते हैं नन्नू काका? मनोहर जी से। पूछता कौन है? मनोहर जी। आइए, ही टुक आउट ही चेक, ही चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1,000 rupees, ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इन इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। अब देखिए ड्रामा कैसे शुरू करते हैं। इन्होंने एक चेक लेके आया, नन्नू काका एक चेक लेके आए, उस पर 1,000 rupees लिख दिए चेक पे, और उसको नीटली नीट एकदम यूं कभी देखो गरीब आदमी सबको जो ढेकवा जाना सर धोती में ढेकवा पैसा कैसे रखते, 10 rupees का नोट यूं इतना पतला कर लेता है, नीटली मोड़ देता है, वही से ज़्यादा मोड़ाई भी नहीं करती इसको, उतना तक पतला तो मोड़ देना, तह तह कर देना, खोलेगा तो लगेगा आयरन कर ले ऐसे करके दे देगा। तो उन्होंने क्या किया, एक 1,000 rupees का नोट चेक लिखा, उसको नीटली बहुत बहुत अच्छे से करके डाल दिया, कहाँ पे, कोर्ट में, और कहा कि नन्नू काका जी बोले इसको, मनोहर को, जर एक धोबी को बुलाओ, धोबी को बुलाओ, और उस चेक को कोर्ट में डाल दिए। आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड ही एंड हैड अ टॉक विद हिम, देन वी ड्रॉव ओवर टू द सीका ऑटो डीलर्स एंड नन्नू काका आस्क इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। अब क्या हुआ, धोबी को बुलवा दिए, धोबी आया, नन्नू काका उसको पीठ से हिलाते हुए चलो दे बात करते बाहर तक गए, धोबी से
अपनापन बनाना है ना धोबी को, है ना। बात करते गए, कोट दे दिए, फिर हम लोग कहाँ गए, वहाँ डीलर के पास। और डीलर के पास जाके बोल रहे क्या, जो अहो जो जैसा हम गाड़ी पसंद कर रहे हैं वो वाला गाड़ी हमको ट्रायल के लिए दीजिएगा, चलाने के लिए दीजिएगा, चला के देखेंगे तभी तो खरीदेंगे ना, हो ट्राई के लिए दीजिएगा तो बोलिए गाड़ी हमको ये वाला ख़रीदना है। ऐसा कुछ जाके सिक्योरिटी डीलर को बोल ले, कौन नन्नू काका, वी हैड बैरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप। जैसे ही बात शुरू ही तो किए थे उससे, डीलर से बात करना शुरू ही तो किए थे कि धोबी धोबी एकदम रश्ड दौड़ा आया। मैं दौड़ा चला आया, गाना सुने थे ना, यस दौड़ा आया है ना, होल्डिंग नन्नू काका's ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रैंडिशिंग द चेक विद द अदर। ओफ देयर यू आर ही पैंटेड, एक हाथ में पुराना वाला कोट, एक हाथ में चेक ली हो, दौड़ते धोबी पहुंचा डीलर के पास, पैंट हाफ। आप यहाँ हैं नन्नू काका से बोलता है धोबी, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर, देखिए हो ये आप क्या छोड़ दिए थे अपना कोट में, क्या छोड़े हुए हैं। हाँफते हुए ऐसा कुछ बोला धोबी, नन्नू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ। अब नन्नू काका तो ड्रामेबाज ही है, अब वो चेक को इतना लंबा हाथ में उठा के, अरे बाप रे चेक छोड़ दे लिए कोट में, इतना देरी तक उठाए रहे, इतना ऊंचे तक उठाए रहे, जो इस डीलर के यहाँ जितने भी स्टाफ है सबको नजर है, बाप रे बाप कितना अमीर आदमी है ना। तो ऐसा क्या कर दिए, उठा के बता रहे थे, एंड क्लक्ड हिज टंग, इसको करते हैं कर्ण चुचकारना को, क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम, बहुत बार, जैसे हम ये अभी कितना बार किए थे है ना, हाउ केयरलेस ऑफ मी, हम भी कितना लापरवाह है हो, है ना। ही सेड, उन्होंने कहा नन्नू काका ने, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस शॉर्ट थिंग, ये सब छोटी मोटी गलती हम करते ही रहते हैं, पता नहीं हम भी ना बेरर है ना, मतलब धारक है ना, वेरर वहाँ पे होता है ना, चेक टू एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, ऐसा चेक है जो कोई इसको कैश करवा, कोई भी भजा सकता है हो, हम भी ना क्या बताएं। हेयर माई गुड मैन ही सेड टू द धोबी, धोबी को कहते वाह 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 बहुत अच्छा आदमी है आपको, बहुत अच्छा आदमी है ना, हेयर इज अ रिवार्ड फॉर यू, आप तो रिवार्ड के लायक हैं, आप तो पुरस्कार के लायक हैं है ना, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, अरे ऑनेस्टी से बढ़ के क्या हो सकता है, ऑनेस्टी के बराबरी कहीं हो सकता है, ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में है ना। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, क्या हुआ नन्नू काका उसको पीठ थपथपाते हुए 2 रुपया का नोट दे दे के, वाह वाह ईमानदारी से बढ़ के कुछ है, आप तो पुरस्कार के योग्य हैं, हम ऐसा छोटा मोटा गलती करते रहते हैं, बहुत 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 अच्छी बात, अरे भैया आप तो इतना अच्छे आदमी थे जो ला के दे दिए, कोई भी इसको भुना सकता था। नेक्स्ट, आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के बाद ऑफ वेल्थ धन का, इस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, कार पाना तो एकदम आसान हो गया, अरे भैया उस समय उस जमाने में 2 रुपया में तो पूरा गांव का कपड़ा धुला जाता, अरे 2 रुपया उसको फ्री में दे दिए, रिवार्ड जाओ बेटा, ऐसा कुछ। अब इस प्रदर्शन को देख के तो सिंपली कार मिल ही जाता, वेयरिंग माई वाइट
जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन एंड ननुका का सेट रैंगली एट द बैक लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज वहां पे होगा व्हाट ही वाज सपोज टू बी अ हेरिडिटी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट है ना। मैंने पहना व्हाइट ड्रेस है ना और ऑरेंज टर्बन कहाँ है जी जोधपुरी कोट पहना और क्या है कितने कितने के टर्बन ऑरेंज टर्बन पगड़ी ऑरेंज कलर का ये सब क्वेश्चन बनता है ना। और नन्नू काका जो बैक में ऐसे बैठे जिम्मेदार के जैसे जो लग रहा था एकदम किसी स्टेट के ये क्या है एकदम पुश्तैनी पंडित है एकदम पुश्तैनी एकदम पूरा सच धर के बैठ के एकदम जिम्मेदार की तरफ पीछे और हमको भी पहना दिए कोट जोधपुर या लगा दिए ऑरेंज मुरट्ठा ले वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फोर्स्ट यार। जैसे ही हम लोग पहुंचे मंत्री के यहाँ पूरा नौकर सब आगे पीछे फोर्स्ट मतलब आगे पीछे आगे सेक्रेटरी सब आगे पीछे आगे बाप रे कौन है कहाँ से आए इतना मस्त गाड़ी जबरदस्त गाड़ी ऐसा तो देखे नहीं थे सब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करने लगा अराउंड नन्नू काका। वो भी किसके नन्नू काका के हु रन्स टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल फॉर द विजिटर्स बुक है ना। सब आगे पीछे कर सर 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 ना नन्नू का किसी से बात नहीं विजिटर्स बुक लाओ विजिटर्स बुक लाओ हमारे पास टाइम नहीं है हम किसी का काम हर्जा नहीं करना चाहते हैं जल्दी विजिटर्स बुक लाओ हम कहाँ से आए हैं क्यों आए हैं सारा कुछ लिखेंगे भागेंगे भैया। आप लोग कभी विजिटर्स बुक मतलब समझाते हैं आप लोग कभी बड़े कंपनी वगैरह में जाइएगा बैंक वगैरह में जाइएगा अच्छा खासा में तो वहाँ पे गेट पे एक चौकीदार होगा चौकीदार आपका नाम एंट्री करेगा आप जिस टाइम में अंदर गए उस टाइम को एंट्री करेगा और किस काम से आए हैं वो एंट्री करेगा फिर निकलने लगे थे वो टाइम ऐसा कुछ होता है इसी को कहते हैं विजिटर्स बुक। ओके भैया जब आए तो कौन है आप कहाँ से आए कितने बजे आए किस लिए आए ये सारा चीज नोट करना होता है। ओके जी देखिए क्या बोल आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल है ना ही अनाउंस्ड ही हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर मेरा कोई इच्छा नहीं है जो मंत्री जी को डिस्टर्ब करे बस एक फॉर्मेलिटी है जो पूरा करने में आया हूँ इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द होल प्रिंसली एस्टेट स्टिल ऑब्जर्व हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकर्स स्टिकर मतलब तरफदार होता है पक्षपाती होता है फॉर दिस कॉर्ट्रीज दे पाउट द विजिटर्स बुक एंड ही वॉच्ड नन्नू काका इन एडमिनिस्ट्रेशन एज ही रोट हिज नेम विद फ्लोरिशिंग एंड एडेड हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराज ऑफ निन्नौर एट द एंड और लास्ट में ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस है ना। मैंने देखा नन्नू काका अपने बारे में क्या लिखते हैं पता है हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर है ना मैं हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ मतलब मैं पुश्तैनी क्या हूँ पता है ज्योतिषी हूँ। और एड्रेस क्या लिखे कहाँ का लिखे वो एड्रेस लिखते हैं अपना मनोहर मालगांव का एड्रेस दिल्ली वाला एड्रेस विदाउट इन अदर वर्ड बिना कुछ बोले एंड एज दो ही वर इन अ ट्रीटिंग हरी ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली है ना। जैसे ही तुरंत वो है सो लिखे और वहां से जल्दी में निकल गए और लाउडली बोले क्या बोले सो देखिए जोर से बोले जो कोई होगा अंतरी मंत्री तो वो भी सुन ले ऐसा टेक मी टू द महाराजा सुटुक्का मुझे अब ले चलो महाराजा सुटुक्का के पास कौन नन्नू काका लाउडली जोर से बोले किस से मनोहर मालगांवकर से आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप इंटरेस्ट टू मी
as the car returned out the gate, I glanced backwards and saw a huge dark other clawed figure peering at us from an अपर स्टोरी विंडो, है ना। वो जोर से बोलते हैं, ले चलो मुझे हमारे सुटुक्का के पास, जितना भी उनका जो सारा ज्योतिषी मंत्र का जो सामान दिए हुए हैं, सारा का सारा हमको क्या करना है, उनको रिटर्न करना है। और जैसे हम लोग गेट से बाहर निकल रहे थे, देखे खिड़की से एक मोटा सा खादर सा कपड़ा पहने एक व्यक्ति देख रहा है हम लोग को, है ना। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम लोग घर पे गए, जैसे ही चाय फिनिश किए, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक अ न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ पडल, है ना। वो जो नया वाला जो बिल्ली लेके आए थे मामा जी, उसी के साथ खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे चाय पीने के बाद। वो जो है ब्रांडे पर पिसाब भी कर दिया था, है ना, ऑन द फ्लोर, कहाँ पे, ब्रांडे पे। व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ऐसा ही कुछ हो रहा था कि तब तक एक वाइट सा गाड़ी, तिरंगा लगा हुआ गाड़ी दरवाजे पे आके रुका। एंड नन्नू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। जैसे ही गाड़ी रुका, हाथ जोड़े नन्नू काका आए और मंत्री जी को प्रणाम किए और रिसीव किए कि चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट पेज है, बोल रहा है नन्नू काका लेफ्ट यस्टरडे, हुआ बातचीत हो गया होगा मंत्री जी से। फिर नन्नू काका तो कल चले गए, उसी दिन चले गए। हिज मिशन अकॉम्प्लिश्ड, उनका मिशन पूरा हुआ। आई नेवर फाउंड आउट what it was that he wanted to see the minister about. मिशन तो उनका पूरा हो गया, बट ये नहीं हम अभी तक समझ पाए जो मिलना क्यों चाहते थे, वो मिलना क्यों चाहते थे। Also, I wonder, फिर भी मैं आश्चर्यचकित हूँ, what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles a place called Ninnor. लेकिन जब भी मंत्री को पता चलेगा मेरे अंकल के बारे में तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इनको तो निन्नौर के 100 किलोमीटर आगे पीछे तक का कोई जानकारी नहीं है। हालांकि I am now convinced that, but मैं नन्नू काका से इतना convinced हो गया हूँ, इतना समझ गया हूँ कि नन्नू काका will deal with the situation without allowing a single fold of his angocha to fall the place. लेकिन फिर भी मैं इतना convinced हो गया हूँ उनसे कि नन्नू काका इस मामला को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, बिना अंगोछा को खोर पड़ेगा भी नहीं, उनको थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा, और ये इस चीज़ को भी, इस चीज़ से भी निजात पा लेंगे, मतलब परेशानी नहीं इनको होने वाला। ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार अ फ्रेंड्स, है ना, मतलब सिर्फ जब कभी भी ऐसा हो मैं इस सब झंझट में ना पड़ू। हे भगवान, जेकरा जे में मन लगे वह ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना करें जे हम कहीं इस सब झंझट में नहीं पड़ू। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलेगा, थोड़ा अभी मेला के लेके गैप हो गया था, बट कंटिन्यू मिलेगा और 100% फुल सिलेबस मिलेगा।